क्लास हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, अभी तक के टेक्स के सफर की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने कई सारे छोटे छोटे जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो हमने फिनिश करे हैं। एंड उसमें हमने आपका टेक्स के बारे में जो बेसिक्स थे, जो आपके इंट्रोडक्शन पार्ट था, वो हमने पूरा किया है। रेजिडेंशियल स्टेटस हमने करा है और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम किस तरीके से होती है वो टॉपिक भी हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज दोस्तों हम बढ़ने वाले हैं, अगर आपको याद हो, एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। ठीक है, हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और टैक्स के लिए, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए किन किन तरह की इनकम को जोड़ा जाता है, वो सब टॉपिक करने के टाइम पर हमने कुछ हेड्स लिखे थे, मेजर हेड्स हमने लिखे थे, लाइक इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सारे के सारे कंटेंट। तो सैलरी अगर हम किसी के पास एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम का एग्जाम्पल मैंने दिया था। अगर हम प्रॉफिट एंड गेन की बात करें तो अपने बिजनेस से, अपने प्रोफेशन से जो भी आपने अर्निंग करी है वो हेड के अंदर आया था। कैपिटल गेन, अपनी अपने प्रॉपर्टी वगैरह, कोई कैपिटल एसेट बेची है, और उसके अलावा अदर सोर्सेस। ठीक है, तो ये मेन पांच हेड थे जिनमें हम अपनी पर्टिकुलर इनकम को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब जहां से इनकम क्रिएट होती है, राइट। अब दोस्तों उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना मेजर हेड, दैट इज व्हाट, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, कि सैलरी से जो इनकम जनरेट होती है उससे उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसके उसके लिए किन किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, कौन कौन से लॉज जो है जो हमें उसमें कंसिडर करने हैं, तमाम चीजें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इन सैलरी वर्ड आप लोगों के लिए कोई नया नहीं होगा, आपने ऑलरेडी पहले इसके बारे में जानकारी ले रखी होगी, कहीं ना कहीं आपको पता होगा सैलरी क्या होता है। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहां पर आगे करने वाले हैं। वो सैलरी किन-किन कंपोनेंट से बनकर तैयार होती है, टैक्स लॉ में उन कंपोनेंट्स के लिए क्या-क्या प्रोविजंस हैं, कितना माफ होगा, कितने पर टैक्स लगेगा, कौन सा टैक्सेबल इनकम में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, तमाम चीजें जो हैं ये सभी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो बिल्कुल शुरू करते हैं फटाफट से इनकम फ्रॉम सैलरी। और सबसे पहले तो हम एक तरह से इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में स्टार्ट करने वाले हैं कि कायदे से जब हम सैलरी की बात कर रहे हैं, जब हम सैलरी की बात कर रहे हैं तो हमें किन किन पॉइंट्स का खास तौर पर ध्यान रखना है, हमें किन किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, टैक्सेबिलिटी, उसके कंपोनेंट वो तो आगे हैं। ठीक है, कुछ बेसिक सी चीजें जो हमें सैलरी के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है, जरा उनके बारे में एक बार हम नजर डालेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं कि सैलरी बेसिकली होती क्या है, ठीक है, तो सैलरी के लिए सबसे पहला और सबसे मेन चीज जो हमें मालूम होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट, देयर मस्ट बी एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो निकल कर आता है सैलरी के अंदर वो ये है कि देयर मस्ट बी एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। ठीक है, ऑब्वियसली यहां पर एक मालिक और एक उसका सेवक, ठीक है, ये रिलेशनशिप क्रिएट होनी चाहिए। भाई एम्प्लॉयर है, मालिक है, उसकी अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी कंपनी है, और उसमें एज अ स्टाफ डिफरेंट पर्पसेस के लिए कोई मैनेजर है, कोई एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, इवन आपका लेबर है, कुछ भी है, वो उनसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में, अपने ऑफिस में काम करवाता है, उनको काम करने के बदले कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराता है। वो जो रेम्यूनरेशन है वही क्या होती है, उसे हम सैलरी का नाम देते हैं। ठीक है, अब वो सैलरी में कौन कौन सी चीजें होती हैं, उनका बोनस है, उनका बेसिक है, अलाउंस है, वेजेस है, वगैरह वगैरह, वो तमाम चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज जो सैलरी के लिए क्रिएट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है वो डेफिनेटली आपका क्या आ गया, यस एग्जैक्टली, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर मैं बात करूं जो एमपी है, जो एमएलएज होते हैं, ठीक है, उनको जो भी एक पर्टिकुलर इनकम मिलती है, ठीक है, किसकी तरफ से मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, राइट, इसको ये तो पता ही होगा आपको, जो हमारे एरिया के एमपी एमएलएज होते हैं उन्हें पर्टिकुलर इनकम ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। दोस्तों वो सैलरी नहीं है, वो सैलरी नहीं है, क्योंकि जो एमपी और एमएलएज होते हैं वो आपके एक तरह से गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, वो प्रतिनिधि है जनता के, जो चुनकर आए हैं काम करने के लिए सरकार के साथ। ठीक है, तो वो सैलरी नहीं होती, याद रखिएगा, वो जो अमाउंट, वो जो इनकम एमपीस को, एमएलएस को मिलती है, डेफिनेटली वो अदर सोर्सेस, ओएस, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की हेडिंग के अंदर जाती है। क्लियर डाउट इसमें? ठीक उसी तरीके से जैसे आप देखें, जैसे आप स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं,
ठीक है, तो ऑब्वियसली जो वहां पे स्टाफ है जो आप लोग को पढ़ाता है उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है, इन शॉर्ट हमारे टीचर्स स्कूल के, ठीक है, स्कूल के, कॉलेजेस के, इंस्टीट्यूशंस के, कैसे भी, ठीक है। तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में, स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, इंस्टीट्यूशन की तरफ से उन टीचर्स को मंथ में एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है मंथली, ठीक है। वो क्या होता है, वो उनकी इनकम होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम सैलरी बोलेंगे, डेफिनेटली वो सैलरी ही है, ठीक है, वो डेफिनेटली सैलरी ही है। लेकिन कई बारी क्या होता है, उन टीचर्स को जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, वो इनवाइट करता है पेपर्स चेक करने के लिए, ठीक है, सेमिनार कंडक्ट करने के लिए, और क्या कहते हैं, इवन एग्जाम्स लेने के लिए उनको स्पेशली बुलाया जाता है। तो उस चीज के लिए, सेमिनार को अटेंड करने के लिए, सेमिनार में लेक्चर देने के लिए, पेपर्स को चेक करने के लिए जो आपके एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो उनके लिए उन टीचर्स को अलग से एक अमाउंट पे करा जाता है। लाइक मैं उसको एग्जाम्पल दूं, जो पेपर चेक करने की फीस होती है, दैट इज एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनर फीस, एग्जामिनर फीस, ठीक है। दोस्तों वो सैलरी नहीं है, वो सैलरी नहीं है, क्योंकि उस सिचुएशन में वहां पर जो टीचर है वो बोर्ड का एक तरह से एम्प्लॉय नहीं है, वो उसका परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, परमानेंट पार्ट टाइम से हालांकि मतलब नहीं पड़ता, लेकिन वहां पर एक वो अलग सर्विस को प्रोवाइड करा रहा है, उसके बदले एक अमाउंट ले रहा है, दैट इज नॉट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। वो भी डेफिनेटली आपका, अगर हम बात करें, ये वाली इनकम भी आपकी अदर सोर्सेज में जाएगी, दैट इज वॉट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हाँ, उनको जो स्कूल की तरफ से, इंस्टीट्यूशन की वजह तरफ से, कॉलेज की तरफ से मिल रहा है, वो डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वॉट सैलरी, वो सैलरी होता है, ठीक है। लेकिन जो एग्जामिनेशन फीस है वो आपका अदर सोर्सेज होगा, वो सैलरी नहीं होगी। ओके, और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ठीक इसी तरीके से अगर मैं दोस्तों बात करूं कंपनी के डायरेक्टर्स की, कंपनी के डायरेक्टर्स की, ओके तो हाँ, डायरेक्टर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड डिवाइड कर सकते हैं। लॉ में भी आप टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ोगे, तो अगर कोई एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर डायरेक्टर है, लाइक एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर है, ठीक है, और दूसरा ऑब्वियसली क्या हो गया, नॉन एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर जो एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर को एक इमोल्यूमेंट, एक इनकम मंथली बेसिस पर या जैसे भी मिलेगी, वो डेफिनेटली आपका सैलरी है जो एम्प्लॉयमेंट पर्पस पर है, जो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर रखा गया है। एम्प्लॉयमेंट पर बेसिस पर रखा गया तो किसी ने रखा होगा, तो वो कौन हो गया, खुद एम्प्लॉय हो गया, ठीक है, और जिसने रखा वो एम्प्लॉयर हो गया, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्रिएट हो गई ना। लेकिन ठीक उसी तरीके से जो आपका नॉन एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर है वो सैलरी का पार्ट नहीं माना जाता। ओके, सो दोस्तों ये चीज हमें सबसे पहले एक बेसिक वे में जाननी जरूरी है कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं एक सैलरी की, तो उसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का क्रिएट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो रिलेशनशिप नहीं है तो वो, उसे हम इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं कहेंगे, वो अलग अलग आपका कंसेप्ट में अराइज हो सकती है, अलग अलग चीजों में अराइज हो सकती है। क्लियर, डन, ये हमने पहला पॉइंट समझा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। आइए इसके एग्जाम्पल हटा देते हैं, दूसरे पॉइंट पर मैं आ रहा हूं। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इट हार्डली मैटर्स कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, ठीक है, दोनों ही आपका सैलरी के पार्ट में कंसिडर होंगी, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, चाहे वो जॉब परमानेंट बेसिस पर है, फुल टाइम बेसिस पर है, या पार्ट टाइम बेसिस पर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली अगर इस सिचुएशन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगी तो वो इनकम आपकी सैलरी के अंदर ही आएगी, ठीक है। ये चीज हमें यहां पर जानकारी के लिए पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर दोस्तों, ये पॉइंट हमारा हुआ। उसके बाद दोस्तों अगले मेन पॉइंट पर आते हैं, एंड दैट इज व्हाट, चार्जेबिलिटी, दैट इज व्हाट, चार्जेबिलिटी। सर व्हाट इज दैट मीन, एक काम करते हैं, इसको मैं दोनों पॉइंट मिटा देता हूं, ठीक है, इसको हम प्रॉपरली समझते हैं थर्ड पॉइंट को। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज चार्जेबिलिटी, और चार्जेबिलिटी की कंक्लूजन है कि सैलरी इज टैक्सेबल। ओके, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ड्यू और रिसीव्ड, विच एवर इज अर्लियर,
विच एवर इज अर्लियर। सर समझ नहीं आया बिल्कुल भी, ऑब्वियसली देखो समझते हैं इसको, इसका ऑपरेशन करते हैं प्रॉपरली। एक एग्जाम्पल के साथ हमने लिख लिया है कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब क्या, ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए मैं बात कर रहा हूं जनवरी की, मैं बात कर रहा हूं फरवरी की, और मैं बात कर रहा हूं मार्च की, और मार्च के बाद हमारा ईयर आ जाता है, सॉरी हाँ यस ईयर चेंज हो जाता है, और नेक्स्ट मंथ हमारा क्या पड़ेगा, अप्रैल। ओके अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करूं, ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 17 के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, 2017 की बात कर रहा हूं, 2017 फरवरी, 2017 मार्च एंड 2017 अप्रैल। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोस्तों, अगर मैं जनवरी 17, फरवरी 17 और मार्च 17 की बात कर रहा हूं, तो ये दोस्तों ईयर है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है 16-17, ये भी कौन सा है 16-17, और ये भी कौन सा है 16-17, इनका फाइनेंशियल ईयर सेम है। ओके फाइनेंशियल ईयर कहिए, प्रीवियस ईयर कहिए, हम मीनिंग जान चुके हैं इनके बारे में, लेकिन ऑब्वियसली 1 अप्रैल स्टार्ट हो गया, तो यहां से फाइनेंशियल ईयर आपका चेंज हो जाता है, ठीक है, ये 17-18 में चला गया है, नेक्स्ट ईयर में आ गया है। ओके दोस्तों, तो ये हमने अभी ईयर लिख लिए। ओके अब मान लीजिए, ध्यान दें, मिस्टर एक्स हैं और उनकी सैलरी हम मान लेते हैं, मान लीजिए ₹50,000 पर मंथ है। ओके अब ध्यान देंगे, जनवरी की बात आई, जनवरी उन्होंने काम करा और एम्प्लॉय ने सॉरी मालिक ने बोला हुआ था कि पूरे मंथ जब कंप्लीट हो जाए तो लास्ट डे पर, लाइक आपका 31st of January, 28th of February, 31st of March, जो भी लास्ट डे होगा उस पर आकर अपनी सैलरी आप ले जा सकते हैं, आपका अधिकार है क्लेम करने का ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। ओके तो ठीक है, मिस्टर एक्स ने जनवरी में काम किया और वो जब पहुंचे लास्ट डेट पर अपनी सैलरी लेने के लिए, तो मालिक ने मना कर दिया कि यार देख ऐसा है, अभी थोड़ा सा हार्ड टाइट चल रहा है, क्या आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं अगर आपको सैलरी ना मिले, कंपनी में मतलब फंड्स की कमी है। अब क्योंकि मिस्टर एक्स कंपनी के साथ अच्छे जुड़े हुए थे, उन्हें काफी समय से कंपनी में एक अच्छा ओहदा प्राप्त था, उन्होंने कॉपरेट करा कंपनी के साथ, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे सैलरी मत दीजिए, अगले महीने दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ड्यू इस महीने में हो चुकी है वो जनवरी में, लेकिन पेमेंट नहीं हुई, उन्हें पैसा नहीं मिला। ओके फरवरी की बात करते हैं, तो फरवरी में भी जब वो पैसा लेने गए, जी जनवरी के भी हैं और फरवरी के भी हैं, 2 महीने के हो गए, कंपनी ने फिर बोल दिया कि जी अभी फंड्स की कमी नहीं है, मिस्टर एक्स ने कॉपरेट कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, 2 महीने के ड्यू हो गए हैं लेकिन पैसा भी नहीं मिला है। मार्च काम करा, मार्च में उन्होंने क्या कहते हैं आपका पूरे महीने काम करा और लास्ट डेट पर वो पहुंचे, तो कंपनी ने फिर बोल दिया कि जी क्या नाम है, फंड्स की कमी है, आप एक साथ ले लीजिएगा अगले महीने। एंड उस सिचुएशन में फिर ऑब्वियसली 3 महीने का ड्यू हुआ लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला है, एंड मिस्टर एक्स जो है कंपनी के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, बड़े ही अच्छे हैं मिस्टर एक्स, ठीक है। अप्रैल आया, अप्रैल में उन्होंने काम करा और लास्ट डेट पर वो सैलरी लेने के लिए पहुंचे और कंपनी ने इस महीने उन्हें पूरी सैलरी पे कर दी है into 4, 2 लाख रुपए के, सर ये लीजिए आपके 2 लाख रुपए, ठीक है क्लियर, कंपनी ने अप्रैल में उनको पेमेंट कर दी। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि यहां पर हम इस 2 लाख को किस ईयर में, 16-17 में या 17-18 में, से किस ईयर में हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, ये जानने वाली बात है, ठीक है ध्यान देंगे दोस्तों। हेडिंग पर आइए, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। जनवरी की सैलरी ड्यू हो गई, रिसीव्ड नहीं हुई, ओके फरवरी में फरवरी की सैलरी ड्यू हो गई, रिसीव नहीं हुई, मार्च की सैलरी ड्यू हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई। सो जैन फेब एंड मार्च सैलरी इज ड्यू, सैलरी जो है वो ड्यू है लेकिन रिसीव नहीं हुई है। सो मैं अप्रैल को भी साइड करके चल रहा हूं, अप्रैल से मुझे कोई मतलब नहीं है फिलहाल अभी, ठीक है। अब यहां पर इन तीनों महीनों में, जनवरी फरवरी मार्च में ड्यू हो चुका है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, ड्यू हो चुका है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन हमने टैक्सेबिलिटी के लिए क्या वर्ड लिखा हुआ है, विच एवर इज अर्लियर। अगर इंप्लॉय की सैलरी ड्यू हो गई है, लेकिन उसको वो रिसीव नहीं हुई है कंपनी की तरफ से, अभी तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जहां वो काम कर रहा है, तो ये गवर्नमेंट की गलती नहीं है, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट कहेगी कि आपको टैक्स देना पड़ेगा डेफिनेटली जिस पीरियड को वो बिलोंग कर रही है, क्लियर। तो यहां पे इन तीनों मंथ्स की जो सैलरी है वो भले ही मिली हो कब, अप्रैल में, लेकिन जनवरी फरवरी और मार्च का 1.5 लाख रुपया
जो भले ही मिला है कब, 1718 में, भले ही मिला है कब, 1718 में, वो टैक्सेबल होगा 1617 में ही, क्योंकि ड्यू इज अर्लियर, क्योंकि ड्यू जो है वो अर्लियर हो चुका है। हां, अप्रैल का जो 50,000 रुपया है वो मिला है कब, आपका नेक्स्ट ऑब्वियसली अप्रैल में, और ड्यू भी कब हुआ है, वो अप्रैल में ही हुआ है। तो इस सिचुएशन में अप्रैल के 50,000 रुपए वो 1718 में ही रहेंगे, लेकिन क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च की सैलरी ड्यू हो चुकी थी, भले ही रिसीव ना हुआ हो, सो ड्यू इज अर्लियर, तो इस सिचुएशन में टैक्स लगेगा उस 1.5 लाख रुपए पर 1617 ईयर के हिसाब से। क्लियर? सो क्योंकि ड्यू पहले है, हमने उसके ऊपर सैलरी दी। क्लियर? उसको हम टैक्सेबल सैलरी के अंदर लेकर आएंगे। तो ये कंसेप्ट हुआ किसका, ड्यू का, ड्यू जिसमें जल्दी था। आइए इसका एक एग्जांपल और देखते हैं, इसको हटा देते हैं, होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैं सेम एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, ईयर चेंज हुआ, और इस सिचुएशन में मिस्टर एक्स की सैलरी दोबारा से 50,000 रुपए मान रहे हैं, ठीक है। जनवरी हो गई भाई, ठीक है, जनवरी काम करा मिस्टर एक्स ने, और वो एक लास्ट डेट पर 31 जनवरी पर अपनी सैलरी लेने के लिए पहुंचे। कंपनी ने कहा ये लो जी आपके 50,000 रुपए, ठीक है, कंपनी ने पे कर दिया, जनवरी काम करा, कंपनी ने पे कर दिया आपका 31 जनवरी को। मिस्टर एक्स ने पेशकश रखी कि जी देखिए मेरे घर में शादी है या कुछ भी, एक अच्छी बात है बुरी बात है व्हाटएवर, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत है, और मान लीजिए घर में शादी है उनकी, बच्चे की, किसी क्या कहते हैं लड़का लड़की व्हाटएवर, और मुझे अपने खर्चे चलाने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा मनी की आवश्यकता है। तो मिस्टर एक्स ने पेशकश रखी कि प्लीज आप मुझे जनवरी की सैलरी तो दे दीजिए 50,000 रुपए, फरवरी मार्च और अप्रैल, इन तीनों महीने की सैलरी इंटू 4 हो जाएगा 2 लाख रुपए, आप मुझे जनवरी में दे दीजिए, आने वाले 4 महीने की सैलरी अभी ले ली, ठीक है। इस सिचुएशन में आप, उन्होंने बोल दिया कि भाई सीधी सी बात है आपने मेरे को पहले सैलरी दे दी है, आप फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में मुझे सैलरी मत दीजिएगा, अब मैं सैलरी लेने मई में आऊंगा। क्लियर दोस्तों? अब इस सिनेरियो में अगर हम देखें, जनवरी की सैलरी ओके ठीक है, उन्होंने फरवरी मार्च और अप्रैल की भी सैलरी, ठीक है, ले ली है कब, सॉरी जनवरी में ही। अब इस सिचुएशन में टैक्सेबिलिटी क्या होगी दोस्तों, ध्यान देंगे, फरवरीज सैलरी इज नॉट ड्यू, अभी तक वो ड्यू नहीं, काम कहां करा, फरवरी तो आएगी तब ड्यू होगी ना, मार्च की भी नहीं ड्यू हुई है, अप्रैल की भी ड्यू नहीं हुई है, लेकिन रिसीव कर ली है, हेडिंग पर आ जाओ वापस से, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, इस सिचुएशन में ये जो 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं ये टैक्सेबल होंगे दोस्तों 1617 में, क्योंकि इस सिचुएशन में विच एवर इज अर्लियर में रिसीव्ड पहले है। 1617 में टैक्सेबल, ठीक है, समझ आता है। इवन जो अप्रैल है, जो अगला फाइनेंशियल ईयर होगा, जो अगला प्रीवियस ईयर कहलाएगा 1718, उसकी सैलरी आपने 1617 में ही ले ली, वो ड्यू तब होगा, लेकिन तब भी आपको टैक्स देना है 1617 में दोस्तों, ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेबिलिटी, कि ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, आपको उसी के आधार पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को मतलब नहीं है कि आपकी सैलरी मिली या नहीं मिली, ड्यू हो गई ना आप टैक्स के लायबल हो। गवर्नमेंट को मतलब नहीं है वो कब ड्यू होगी, आपको रिसीव हो गई ना आप टैक्स दो। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू एंड रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, हम अकाउंट्स में कई बार कर देते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट ड्यू, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज कर लिया, ड्यू वर्ड यूज कर लिया, हम यहां पर आउटस्टैंडिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ड्यू एंड आउटस्टैंडिंग, दोनों में फर्क होता है, हम किस वर्ड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं यहां पर, सिर्फ ड्यू का, आउटस्टैंडिंग का नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलो उसको मैं समझा देता हूं, एक थोड़ा हम टैक्स से हटके अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी पर जा रहे हैं ताकि हमें मीनिंग क्लियर हो। ड्यू और आउटस्टैंडिंग में दोस्तों क्या डिफरेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने अपनी प्रोफेशनल डिग्री पूरी करी, आपने अपनी जो एजुकेशन है वो पूरी करी, और आपने कहा सर हमें जॉब दे दीजिए, ठीक है, मैंने कहा आ जाइए आप, क्या नाम है, काम करने आ जाइएगा। मैंने पूछा आपसे कि भाई सैलरी क्या लोगे, मैंने कहा, तो मैंने पूछा आप लोगों से सैलरी कितनी लोगे, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है हमारी कंपनी से। अब तुम खिलाड़ी, तुम तो सोच रहे हो भाई पता नहीं क्या क्या मिल जाए। आपने कहा सर ज़्यादा नहीं, बस 1.5 लाख रुपए दे देना महीने के। मैंने कहा ठीक है चलो दे देंगे भाई 1.5 लाख रुपए। अच्छा सर ठीक है, तो ऑफिस कितने बजे आए। मैंने कहा ठीक है आप आ जाना, कब आओगे बताओ। मैंने कहा सुबह आ जाना 7 बजे। ठीक है
तुम 7 बजे ऑफिस आए, बड़े खुश, 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलनी शुरू हो गई, मजे आ गए आज से तो। हमने बोला ठीक है आप काम करेंगे, 1 महीने की सैलरी आपकी 1.5 लाख रुपए है और हर पर्टिकुलर मंथ की जो सैलरी है वो आपको अगले महीने 5 तारीख को दी जाएगी। ठीक है, इसका मतलब लाइक जनवरी आपने काम करा तो 5 फरवरी को आपको सैलरी मिल जाएगी जनवरी की, फरवरी काम करा आपको क्या नाम है 5 मार्च को मिल जाएगी, ऑन 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ आप सैलरी लेने के हकदार हैं। ओके दोस्तों, समझ आ गया। अब इस सिचुएशन में अच्छा आप पहले दिन पहुंचे, ये हमने टर्म्स क्लियर कर ली। अब आप पहले दिन पहुंचे 7 बजे आप पहुंचे, आपकी मेट्रो लेट हो गई, 7:05 पर आप पहुंचे और कंपनी ने आपको डांट लगा दी कि क्या बदतमीजी है 5 मिनट आप लेट आए हो, पहला दिन आपका बड़ा बेकार हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़े। मैंने आपको फाइलें दी, मैनेजर ने आपको फाइलें दी, ले भाई काम कर फटाफट फटाफट। ठीक है, 10 बज गए, 11 बज गए दोपहर के, ठीक है चाय तो पिला दो, फिर आपके लिए एक आधा कप चाय आई। ठीक है, आधा कप चाय आपने पी, ठीक है आपने रेस्ट करा थोड़ा सा 5 मिनट का, मैंने फिर फाइलें पकड़ा दी, करते रहे करते रहे करते गए, 2 बज गए, सर लंच का टाइम दे दो। मैंने कहा ठीक है 2 बज गए हैं, लंच कर लो, 2:15 पे वापस आ जाना, नहीं आया तो पनिशमेंट मिलेगी, जब बस क्या खाना खाया तुमने 2:15 पहुंचे। ठीक है, फाइल करते करते काम करते करते 6 बज गए, 7 बज गए, सर अब घर जाएं। अरे मैंने कहा नहीं, अभी 2-3 फाइलें बाकी हैं, ऐसे कैसे जा सकते हो। ठीक है ना, 8 बज गए, 9 बज गए, ठीक है रात के, सर अब घर जाएं। मैंने कहा भाई अभी गए नहीं क्या। नहीं सर आपने काम दिया था। मैंने कहा ओहो चलो कोई बात नहीं, टाइम से घर जाओ, मैंने आपको घर भेज दिया। जाते जाते मैंने आपको एक फाइल और चिपका दी कि यार घर जाओगे खाली बैठोगे, ठीक है जरा थोड़ा सा काम और कर लेना। ठीक है, घर जाकर आपने फिर लैपटॉप खोला, फिर काम पे लग गए, 11-12 बज गए। ठीक है, 12:30 सोए, अरे कल सुबह 7 बजे दोबारा से ऑफिस जाना है। सोए आप, सोए और सोते रहे, सुबह आपकी नींद खुली 10 बजे, मैंने फोन करा कहाँ रह गए, आपने कहा सर हमसे ना हो पाएगा, ठीक है इतना अत्याचार हम ना सह पाएंगे। मैंने कहा चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं। अब दूसरा दिन है महीने का, आप कंपनी में काम करा आपने एक दिन, आपको एक दिन की सैलरी बनती है, आप फिर रेस्ट करके 2-3 दिन बाद पहुंचे कि सर 1.5 लाख रुपए हमारी सैलरी थी, अगर मैं उसको 30 से डिवाइड कर दूं तो 5,000 पर डे का मेरा बनता है। ठीक है, 5,000 रुपए पर डे का मेरा बनता है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, अब मैंने एक दिन काम करा है मेरे 5,000 रुपए बनते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो सर दे दो ना। क्या बात हुई थी, क्या बात हुई थी कि जिस मंथ आप काम करेंगे उसकी सैलरी आपको नेक्स्ट मंथ 5 तारीख को मिलेगी। दोस्तों कब मिलेगी, 5 तारीख को, आप उस सैलरी को मांगने के हकदार हैं अगले महीने की 5 तारीख को। तो अभी 1-2 दिन बाद आपको 5,000 रुपए नहीं मिल सकते। अब डिफरेंस क्या है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ये 5,000 रुपए मुझे पे करने हैं, फॉर मी दिस 5,000 रुपीज स्टिल आउटस्टैंडिंग। मेरे लिए क्या है, वो आउटस्टैंडिंग है, वो ड्यू नहीं हुए हैं। ड्यू का मतलब जब उनको दे पे करने का अधिकार होगा, जब उस सामने वाले व्यक्ति को उस 5,000 रुपए को मांगने का अधिकार होगा, अभी ड्यू हो गए, सॉरी अभी उसने वो अर्न कर लिए हैं, तो मेरे लिए वो है आउटस्टैंडिंग। लेकिन जब मुझे वो पे करने की जो एक ऑब्लिगेशन है वो मेरे ऊपर आ जाएगी, यानी कि अगले महीने की 5 तारीख दोस्तों, तब मेरे लिए 5,000 रुपए ड्यू होंगे। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है आउटस्टैंडिंग और ड्यू के बारे में। ठीक है, ड्यू का मतलब कि अब ये मेरा ऑब्लिगेशन है कि मुझे इसको पे करना है। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग मतलब ठीक है मैंने काम ले लिया, ये पे करने पड़ेंगे, कब अभी ये नहीं पता, सो दैट अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है 5 तारीख जब अगले महीने की आएगी तो वो ड्यू हो जाएगा। ठीक है, लाइक मान लीजिए आपने एक शॉप जो है वो रेंट पर ली, और रेंट नॉर्मली हालांकि एडवांस में पे होता है नॉर्मली अगर देखा जाए तो, लेकिन मान लो आपका जो लैंडलॉर्ड था वो अच्छा था, उसने बोला अगले महीने दे दिया करो, तो आप पूरे महीने जब काम कर रहे हो तो पर डे के हिसाब से रेंट आउटस्टैंडिंग होता चला जा रहा है, ड्यू नहीं आउटस्टैंडिंग होता चला जा रहा है। तय था कि अगले महीने की 2 तारीख को पे कर देना, तो 2 तारीख जब आएगी तो पूरा का पूरा रेंट क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है आउटस्टैंडिंग और ड्यू के बीच में। और यहां पर हमने कॉन्सेप्ट देखा कि हम आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज नहीं कर रहे, हम ड्यू वर्ड रिसीव कर रहे हैं। ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी कुछ होगा पहले उसके हिसाब से सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। ओके दोस्तों, होप ये थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। हमने यहां पर अभी तक छोटी छोटी चीजें जो है वो सैलरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम जाएं, फोर्थ पॉइंट इज ये तो अब समझ जाएंगे आप, अभी हमने एग्जांपल जो लिया था उसी के हिसाब से है। सैलरी ड्यू वर्ड आ गया दोस्तों, दोबारा से ड्यू ऑन लास्ट डे
ऑफ ईच मंथ और फर्स्ट डे और फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, इसमें क्या डिफरेंस है ये हमें मालूम होना चाहिए। और आई गेस आप लोगों ने अब सही अंदाजा काफी हद तक लगा लिया होगा क्योंकि ड्यू वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर है। दोस्तों कई हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर कंपनी की, हर ऑफिस की अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसी होती है। कुछ कंपनियां लाइक मोस्टली गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी जो होती हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, उनका फिक्स है महीने भर काम करा, मंथ के लास्ट डे पर आपकी सैलरी आपको मिल जाएगी। लाइक जनवरी है, 31 जनवरी को आपको मिल जाएगी। 31 जनवरी का अगर संडे है मतलब हॉलीडे है नेशनल, तो वो 30th को मिल जाएगी। मतलब जो भी लास्ट वर्किंग डे होगा उस महीने का, तो ऑब्वियस सी बात है उस सिचुएशन में आप सैलरी लेने के हकदार हैं, आपको सैलरी मिल जाएगी। मंथ का निपटारा मंथ में कर दिया, ठीक है, एक ये पॉलिसी होती है। लेकिन कईयों की पॉलिसी ये भी होती है कि जिस महीने आपने काम करा है तो उस महीने की आखिरी तारीख को आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको कब मिलेगी, अगले महीने की पहली तारीख को। लाइक जनवरी है, जैसे अभी हमने बात करी, मैंने 5 फरवरी को देने की बात करी, तो अगले महीने जा रहा है वो, शिफ्ट कब हो रहा है, अगले महीने हो रहा है। तो इससे क्या डिफरेंस राइज होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, हमारा फाइनेंशियल ईयर सॉरी मार्च में तो खत्म होता है, 1 अप्रैल से ये शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल, और इसको मैं ईयर मान लेता हूं 2017 है, 1 अप्रैल 2017 है। और ऑब्वियसली ये खत्म कब होगा, 31st of March 2018। तो ऑब्वियसली अगर हम ध्यान दें, अप्रैल काम करा, अप्रैल की सैलरी अप्रैल में मिल जाएगी, मिल जाएगी मतलब ड्यू हो जाएगी, मिल भी जाएगी ड्यू भी जाएगी, दोनों में से कुछ भी हो। मई की मई में क्लियर हो जाएगा, जून का जून में क्लियर हो जाएगा, चलते 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 लास्ट डेट पर, और मार्च का मार्च में हो जाएगा। तो अगर लास्ट डे है दोस्तों, अगर लास्ट डे है तो झंझट वाली बात ही नहीं है, झंझट वाली बात ही नहीं है, मेरे फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में, मेरे फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में कौन कौन सी सैलरी आ गई है, अप्रैल की, मई की, जून की, मतलब अप्रैल टू मार्च पूरी सैलरी आ जाएगी, अप्रैल टू मार्च पूरी सैलरी आ जाएगी। 2017-18 की सैलरी 2017-18 में ही आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं। ये महीना इसी महीने मिल गई, अगला महीना उसी महीने मिल जाएगी, तो कोई इसमें शिफ्टिंग वाली बात ही नहीं है। जो मैंने एग्जांपल दिया था ना ड्यू वाला कि भाई वो अगले महीने जाएगा, वो झंझट ही नहीं है, लास्ट डे आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी और वो टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है, टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए अब ये 1 अप्रैल है, आज क्या है, साल का पहला दिन, 1 अप्रैल, इस 1 अप्रैल में सैलरी ड्यू होगी किसकी दोस्तों, मार्च 2017, किसकी होगी, मार्च 2017। लेकिन ये तो फाइनेंशियल ईयर 16-17 है, ये मार्च जो है 2017 कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, 16-17 की। ऐसे ही अप्रैल की कब होगी, अप्रैल की होगी दोस्तों मई में, अगले महीने। तो कहने का मतलब, अगर मैं इसको हटा देता हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ की, तो इस सिचुएशन में 2017-18 में मैं किन किन सैलरीज पर टैक्स लगाऊंगा, किस मंथ की सैलरी को कंसिडर करूंगा, मैं कंसिडर करूंगा 1 अप्रैल 2017 से पहले वाले महीने की, क्योंकि मार्च की सैलरी कब मिलेगी, अप्रैल में मिलेगी। सो मार्च 2017 से लेकर मैं टैक्स लगाऊंगा फरवरी 2018 तक, क्योंकि जो मार्च की सैलरी है, वो मार्च की जो सैलरी है वो कब ड्यू होगी, वो अप्रैल में हो जाएगी, वो नेक्स्ट डे पर चली जाएगी। ओके, तो दोस्तों ये डिफरेंस होता है सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ और फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये एक छोटा सा डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए। ऑल दो साल में, पूरे ईयर में टैक्स लगेगा, ठीक है, टैक्सेबल सैलरी होगी, वो 12 महीने की होगी, वो होगी 12 महीने की। बस यहां पे सवाल ये उठता है कि जो सैलरी है वो मुझे किस ईयर की कंसिडर करनी है, मुझे वो किस पर्टिकुलर ईयर की कंसिडर करनी है, पर्टिकुलर मंथ की कंसिडर करनी है। जैसे यहां पे हुआ ना अप्रैल का इसी साल में, मार्च का इसी साल में, ये झंझट वाली बात ही नहीं है। लेकिन जब अगले डे पर जाने की बात हो रही है, नेक्स्ट डे पर जाने की बात हो रही है, तो मैं 17-18 में पिछला एक महीना यानी कि मार्च इंक्लूड करूंगा और अपना एक आखिरी महीना अगले साल पर शिफ्ट कर दूंगा,
ठीक है, क्योंकि वो ड्यू कब होगी, मार्च की कब ड्यू होगी, अप्रैल में ड्यू होगी। क्लियर दोस्तों, यहां तक क्लियर हुआ, ये हमने फोर्थ पॉइंट इसका क्लियर करा, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां से। पांचवें पॉइंट पर आते हैं, पांचवें पॉइंट पर आते हैं, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी, और इसका बिल्कुल सिंपल सा सीधा सीधा सा मतलब है, इफ सर्विसेज, इफ सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया देन इनकम डीम्ड टू एक्रू और ड्यू इन इंडिया। मैंने कोई नई बात नहीं लिखी है दोस्तों इसमें, ये पॉइंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने इंसिडेंस ऑफ टैक्स किया था ना, जब हमने क्या आपका, यस एग्जैक्टली इंसिडेंस ऑफ टैक्स किया था, तो सर्विसेज रेंडर्ड, हाँ आई थिंक ये सेकंड वाला पॉइंट मैंने आपको लिखाया था कि अगर इनकम, सॉरी अगर जो इनकम है, जो काम है वो इंडिया में अराइज हुआ हो, इंडिया में हुआ हो, इनकम इंडिया में अराइज हुई हो, ड्यू हुई हो और रिसीव्ड हुई होने की बात करी गई हो, तो सीधी सी बात है आपने सेवा भारत को दी है, भारत में दी है, तो टैक्स उस पर लगेगा चाहे वो इनकम आपने बाहर रिसीव कर ली हो। ठीक है, इनकम अराइज एक्री और ड्यू, ड्यू कहां पर है, इंडिया में है, तो सीधी सी बात है वो आपका इंडिया में ही इनकम मानी जाएगी, टैक्सेबिलिटी इनकम, उस टैक्सेबिलिटी जो है उस इनकम की इंडिया के आधार पर ही होगी। ठीक है, हालांकि इसमें एक एक्सेप्शनल केस है दोस्तों, ये इसमें एक्सेप्शन किस चीज की है मैं बता देता हूं आपको। वैसे आप में से मेरे कई दोस्तों के जो पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट सर्विसेज में आपका एम्प्लॉय होंगे, और हो सकता है वो फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन डिपार्टमेंट में भी हो, तो उनसे पूछेगा अगर आपको, अगर आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके किसी मित्र के पेरेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और उन्हें अब्रॉड जाना पड़ता है किसी भी स्टाफ के साथ, चाहे वो एक आईएफएस ऑफिसर हैं या आईएफएस ऑफिसर के स्टाफ में आते हैं, तो बहुत सारा समय उनका भारत से बाहर बीतता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वहां पर उस सिचुएशन में, वहां पर उस सिचुएशन में वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बाहर काम कर रहे हैं, किसके लिए, इंडिया की सर्विसेज के लिए, किसके लिए, इंडिया की सर्विसेज के लिए, तो वो उन्हें जो भी अलाउंस मिलेंगे, अलाउंस दिए जाएंगे उनकी बाहर की यात्रा के दौरान, दैट इज देयर इनकम, और वो इंडिया के हिसाब से टैक्सेबल होगी, इंडिया के हिसाब से टैक्सेबल होनी चाहिए, इस लाइन के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रोविजन है, वो प्रोविजन अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या स्पेशली भारतीय नागरिक को इंडियन गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सैलरी प्रोवाइड करती है, अलाउंसेस प्रोवाइड करती है, उसको इनकम देती है, ठीक है, किस लिए, कि जब वो बाहर काम कर रहा था, भारत सर्विस, बाहर जो है इंडिया से सर्विसेज दे रहा था, तो उसकी सारी इनकम, सारे अलाउंसेस टैक्स फ्री हो जाते हैं, उसके जो अलाउंसेस वगैरह पे हुए वो सारे के सारे टैक्स फ्री हो जाते हैं, वो इनकम मानी जाएगी किसकी, भारत की ही, ठीक है, लेकिन वो गवर्नमेंट वाले केस में वो जो अमाउंट है आपका वो टैक्स फ्री माना जाएगा, वो एक एक्सेप्शनल केस है, और एक्सेप्शनल केस में इसलिए है कि टैक्स नहीं लगेगा, इनकम वो भारत की है, ठीक है, लेकिन वो टैक्स फ्री हो जाएगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ओके दोस्तों, ये हमने पॉइंट समझे, यहां पे पांचवें पॉइंट पर हम आ चुके हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, आइए अगले पॉइंट पर हम आते हैं। अगला पॉइंट आपका आ जाता है एक सिंपल सा, जो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, वैसे अब अगर आप चीजों को भांप रहे हैं किस तरीके से हम चीजों को समझ रहे हैं सैलरी का मतलब, तो इस पॉइंट को भी आप आसानी से समझ लेंगे, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट सिक्स पॉइंट था आई गेस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सर दो वर्ड का फेर हुआ है इसमें, इसमें ऑफ है और इसमें फॉर है, हां जी बिल्कुल, इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों, जरा ये भी तो बता दीजिए मुझे दोस्तों, ये जो चीज है ना ये सैलरी होती है, ठीक है, और ये लाइक अदर सोर्स भी हो सकता है, या फिर आप इसको पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन भी कह सकते हो, ये अलग सिनेरियो हुआ, ठीक है, ओके, देखो मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सेवा का कॉन्ट्रैक्ट, सेवा का कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, सेवा के लिए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आपने एक कंपनी ज्वाइन करी
उस कंपनी में आपको एक साल तक काम करना है, आपको इतने दिन काम करना है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ठीक है। आपको प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा 2 साल के लिए, फिर आपको सारी सैलरी मतलब उसके हिसाब से, मतलब टर्म्स जो हैं आपकी उस ऑफिस के हिसाब से आपके सामने रखी गई, आपने साइन करा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। दैट इज वॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कि भाई हाँ मैं इस कंपनी का एज एन एम्प्लॉय काम करने को तैयार हूं और आप अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करेंगे। तो ऑब्वियसली ये आपका प्रेजेंट करता है किसको, सैलरी को। ये प्रेजेंट कर रहा है किसको, सैलरी को। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब क्या है, कि भाई ऑफिस था, वहां फर्श बनवाना था, ठीक है, एक फर्श बनवाने वाले ने आया कि हाँ मैं बना दूंगा, उसके साथ हमने एग्रीमेंट्स वगैरह साइन कर लिए, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। हाँ मैं अपनी जो ऑफिशियल जो मैं प्रोफेशन है वो सर्विसेज दे सकता हूं आपको, ठीक है। बिल्डिंग तैयार करनी है क्या, तो एक हमने कॉन्ट्रैक्टर को बुला लिया, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा ठीक है हम बना देंगे, साइन वाइन करवाए, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। उसकी सर्विस के लिए हमने बेनिफिट उठाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करा, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, दैट्स इट, काम खत्म। तो दोस्तों दोनों में फर्क है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस सैलरी प्रेजेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस ऑब्वियसली अदर सोर्सेज, वैसे अदर सोर्सेज के चांसेस कम है, मेनली वो पीजीबीपी में ही जाएगा, कि वो कोई बिजनेस कर रहा होगा, अपनी सर्विसेज दे रहा होगा, उसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्लियर दोस्तों? ऐसे ही एक छोटा सा वर्ड इसमें और निकल के आता है, एडवांस ऑफ सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी। बताइए क्या फर्क है दोनों में, सोचिए दोस्तों। एडवांस फॉर सैलरी या एडवांस सैलरी, वट एवर, दूसरा आपका एडवांस अगेंस्ट सैलरी, ये सैलरी है, ये सैलरी है। और ये एग्जांपल हमने जस्ट अभी लिया था मिस्टर एक्स वाला, वो जनवरी में क्या कहते हैं, उनको सैलरी मिली अपनी 50,000 रुपए, और उन्होंने फरवरी मार्च अप्रैल आने वाले 3 महीने के पहले मांग ली, दैट इज एडवांस सैलरी। भाई काम मत देना, मतलब सॉरी काम तो देना, सैलरी मत देना फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, दैट इज एडवांस सैलरी। एडवांस अगेंस्ट सैलरी में उसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर लेता हूं, कि भाई जनवरी में 50,000 थे, उन्हें 1.5 लाख की आवश्यकता थी, 1.5 लाख उन्होंने ले लिए, उन्होंने बोला कि जी एडवांस अगेंस्ट सैलरी है, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जब भी आते रहेंगे मेरी सैलरी से थोड़ा थोड़ा अमाउंट काटते रहना, ठीक है, दैट इज वॉट एडवांस अगेंस्ट सैलरी। इट्स काइंड ऑफ लोन, एक तरह से क्या है, लोन हो गया, कि मालिक से लोन ले लिया और भैया हमारी सैलरी से इसको थोड़ा थोड़ा काटते रहना, ओके। तो ये हमने यहां पे ये डिफरेंस होता है एडवांस ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी एडवांस में ले लेना, और एडवांस अगेंस्ट का मतलब ठीक है एज अ लोन ले लिया है और आने वाले टाइम में सैलरी से वो कटता रहेगा। क्लियर दोस्तों? यहां तक हमने पॉइंट देखा, 7 पॉइंट दोस्तों हमारे पास हो चुके हैं यहां पर एक बेसिक नॉलेज के जो हमने देखे, ठीक है। दो पॉइंट और हैं। पहला क्या है, प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, एक ये पॉइंट है दोस्तों हमारा, ये कौन सा पॉइंट था, 5, 6, 7, 8 था शायद मेरे ख्याल से, 8, 9th व्हाटएवर, और एक और पॉइंट आपका है एरियर ऑफ सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी, ठीक है। ये क्या होते हैं दोस्तों बिल्कुल भी हम चर्चा नहीं करने वाले, ठीक है, तो अदरवाइज आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे और अभी एकदम से बहुत सारा खिचड़ी आपके सामने यहां पे आ जाएगा कि भाई ये क्या क्या हो गया, बहुत सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए ऑलरेडी, ठीक है। तो इनको भी हम होल्ड पे रखेंगे दोनों को, ठीक है, अभी मैं इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा, क्योंकि दूंगा तो अभी हौच पौच हो जाएगा, चैप्टर के एंड में इन दोनों को समझेंगे, ठीक है। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है तो बेटर रहेगा कि हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएं, एकदम से वो हैवी चीज जो है ग्रैब ना करें, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी चैप्टर में, हमें समझ थोड़ा कम आएगा। तो दोस्तों बाकी पॉइंट्स हमने समझे हैं, इन दो पॉइंट्स को, प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी और एरियर ऑफ सैलरी, और इसमें जो भी रिलीफ मिलता है, एरियर ऑफ सैलरी से आप मतलब क्या नाम है, थोड़ा आपको अंदाजा मिल गया होगा, आप काम ने काम किया कंपनी के साथ, पहले साल काम करा, ठीक है, दूसरे साल काम करा, तीसरे साल काम करा, आपकी सैलरी थी 50,000 रुपए, दूसरे साल में 50,000 रुपए, तीसरे साल में 50,000 रुपए पर मंथ, ओके। फोर्थ ईयर जब स्टार्ट हुआ तो कंपनी ने कहा जी हम आपको 60,000 रुपए पर मंथ देंगे, 60,000 रुपए देंगे विद रिस्ट्रोपेक्टिव इफेक्ट, विद रिस्ट्रोपेक्टिव इफेक्ट, कि भाई पहले साल आपने 50 में काम करा था, दूसरे तीसरे साल में आपको 50,000 पर मंथ सैलरी मिली थी, हम ये मान लेते हैं कि अगर हम आपको 60,000 के हिसाब से देते, कितने के हिसाब से, 60,000 के हिसाब से देते, तो ऑब्वियस है उस सिचुएशन में पिछले 2 साल का एक्स्ट्रा पैसा जो आपको नहीं मिला था वो मिलेगा, दैट इज एरर ऑफ सैलरी।
और उसमें रिलीफ टैक्सेबिलिटी कैसे होती है वो चीज हमें अभी बाद में समझनी है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड रूल्स थोड़े ज्यादा हैं, तो वो अभी हम होल्ड पे रख के चलेंगे, चैप्टर जब हमारा थोड़ा सा आगे चल जाएगा तब उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो इन दो पॉइंट को हम होल्ड करके चलेंगे दोस्तों। तो अभी तक हमने जो बेसिक नॉलेज है इस चैप्टर की वो देखी कि भाई होता क्या है सैलरी, कौन कौन से फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। तो वी स्टार्ट विद द यस एग्जैक्टली एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, ये होना चाहिए, एक मालिक हो उसका जो सेवक हो वो रिलेशनशिप क्रिएट होनी जरूरी है। एमपी एमएलए एग्जामिनेशन फीस ऑफ टीचर्स वो सब हमारा सैलरी का पार्ट नहीं होता क्योंकि वो अदर सोर्सेज में जाएगा क्योंकि वहां पर वो एज एन एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने फुल टाइम पार्ट टाइम की बात करी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैलरी पार्ट टाइम जॉब के लिए मिल रही है फुल टाइम के लिए मिल रही है, सैलरी सैलरी है। फिर हमने बात करी चार्जेबिलिटी की, ड्यू एंड अर्लियर, ड्यू और रिसीप्ट विच एवर इज अर्लियर, ये एक मेन पॉइंट है हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने लास्ट डे और फर्स्ट डे की बात करी कि लास्ट डे पर ड्यू हो रही है फर्स्ट डे पर ड्यू हो रही है नहीं हो रही है, तो ये पॉइंट्स हमने देखे थे, ठीक है। फिर हमने प्लेस ऑफ एक्रूवल की बात करी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस की बात करी और एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी की बात करी, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल पॉइंट्स जो हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सैलरी के बारे में पता होने चाहिए, ठीक है। और फाइनली ये दो पॉइंट अभी हम होल्ड पे करके चल रहे हैं, होल्ड पे रखकर चल रहे हैं, इनको थोड़ा अभी हम आगे करेंगे, ओके दोस्तों। तो दैट इज ऑल अबाउट सम इंट्रोडक्टरी सेक्शन अबाउट इनकम फ्रॉम सैलरी, कि भाई एक तरह से सैलरी होती क्या है, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है, ये फैक्ट्स हमने यहां पर देखे, ओके आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर, ठीक है, कि फाइनली अगर हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी सैलरी, तो सैलरी बनती किन किन चीजों से है, सैलरी के अंदर वो कौन कौन सी कॉम्पोनेंट्स हैं जिनसे सैलरी तैयार होगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, अब अलग अलग बुक्स में एक अलग अलग पैटर्न होता है पढ़ाने का, ठीक है, लेकिन मैंने जो अपना तरीका एक सोचा हुआ है आप लोगों को पढ़ाने का, एक सिंप्लीफाई वे में कैटेगरी को डिवाइड करके, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम जो चार्जेबिलिटी है, जो कंपोनेंट्स हैं, उनको डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं सैलरी की बात करूं, तो एज अ पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, मैं सैलरी को डिवाइड करने वाला हूं चार पार्ट्स में, मैं सैलरी को डिवाइड करने वाला हूं चार पार्ट में, ठीक है, ओके। ये चार पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो कैटेगरी में वो है बेसिक, एक बेसिक जो अमाउंट मिलता है कंपनी की तरफ से, ठीक है, और एम्प्लॉयर की तरफ से। उसके बाद क्या है? बोनस, ये आपने सुना होगा, और एक मैं लिख रहा हूं कमीशन, एक में लिख रहा हूं क्या, कमीशन, ठीक है, बेसिक, बोनस एंड कमीशन। ये तीन चीजें जो नॉर्मली आपने सुनी होगी, और इनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, कोई इसमें आपका स्पेशल सेक्शन नहीं है इनकी टैक्सेबिलिटी को लेकर, क्योंकि ये सारी की सारी फुल्ली टैक्सेबल होती है, इन पर सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं होती। बेसिक भी, बेसिक पे आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि उन्हें जो भी मिलता है एक पर्टिकुलर अमाउंट, That is what basic पे, बोनस मिलता है ईयर में, ठीक है, और कमीशन जो सेल्स वगैरह पे या अदर बेनिफिट्स के जरिए जो कमीशन एक्स्ट्रा रिसीव होता है, तो इनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, ये सारा का सारा अमाउंट पूरे तरीके से टैक्सेबल होता है। मुद्दा है इन तीन चीजों का, ठीक है, जो हमारे हमें जो पूरे के पूरे कॉम्पोनेंट्स हम डिवाइड करेंगे वो इस तीन के अंदर आएंगे, ठीक है, ओके। सबसे पहले है अलाउंसेस, सबसे पहले है अलाउंसेस, और दूसरा है पर्क्स, दूसरा क्या है, पर्क्स, हाँ वो चॉकलेट, ठीक है, भिजवा दीजिएगा, खा लेंगे। पर्क्स का मतलब ऑब्वियसली प्रीक्विजिट्स, अच्छा दोनों का मतलब बताया था ना, अलाउंसेस का मतलब होता है दोस्तों कैश बेनिफिट्स, कैश बेनिफिट्स, और पर्क्स होता है एसेट बेनिफिट्स। हालांकि एसेट बेनिफिट कह देना पूरा ठीक नहीं है, ये पार्टली ट्रू है, इसमें कुछ चीजें और आएंगी, वो जब हम इस टॉपिक पर पहुंचेंगे तब देखेंगे, फिलहाल अभी इतना समझ लेते हैं। अलाउंसेस क्या होते हैं? कैश बेनिफिट। पर्क्स क्या होती है? एसेट बेनिफिट। एक छोटा सा एग्जांपल, भाई सीधी सी बात है, आप जो है कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी आपकी सैलरी का, आपके रहने का, आपके लाइफस्टाइल का ध्यान रखती है, तो मालिक ने आपको बोला कि जी आप कंपनी से तो आपको पैसा मिलेगा मिलेगा, आपको आपके घर के किराए के लिए, अगर आप किराए पर रहते हो, कंपनी पे करेगी, ठीक है। तो मालिक ने अपने एम्प्लॉय को 20,000 रुपए दे दिए महीने के, कि ये हमारी तरफ से 20,000 रुपए, आप खुद मकान ढूंढिए, 15,000 के किराए पे रहिए, 10 के किराए पे रहिए, 25 के बिहाफ पे रहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमने आपको 20,000 रुपए दे दिए, ठीक है। तो दैट इज वॉट 20,000 रुपीज इज वॉट कैश बेनिफिट, दैट इज वॉट कैश बेनिफिट। और ये अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, HRA, क्या है, हाउस रेंट अलाउंस, कंपनी ने दिया, अपनी ऑब्लिगेशन आप पूरी करिए, कैश बेनिफिट, ठीक है। आने जाने में खर्चा होता है, ठीक है,
कंपनी ने उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दिया कि भाई ठीक है जो भी आपका खर्चा होगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस और यू कैन से डेली अलाउंस वो कंपनी आपको दिया करेगी। ये पैसा है हमने दे दिया महीने का आपको 5,000 रुपये, अब अपने आप एडजस्ट कर लो, अब बस का पास बनवा लो 500 रुपये का, उसमें आओ जाओ या आप डेली कैब से अप एंड डाउन करो, हमने 5,000 रुपये दे दिए हम फ्री हो गए। तो दीज आर वॉट कैश बेनिफिट्स अलाउंसेज हैं। पर्क्स क्या है? हाउस रेंट घर रहने के लिए दिया था, सॉरी हाउस रेंट घर का किराया दे दिया था, कंपनी ने किराया नहीं दिया, कंपनी ने रहने के लिए घर दे दिया कि ये लो जी कंपनी का घर, ठीक है। आने जाने के लिए किराया दे रहे थे, किराया नहीं दिया, बस ही लगवा दी ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस ही लगवा दी। तो वो क्या है? दीज आर एसेट बेनिफिट्स। यहां पर एक तरह से कैश दिया पीछा छुड़ाया, वहां पर क्या है एसेट ही यूज करने के लिए दे दी, ठीक है। तो ये हम चीजें समझेंगे और अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर और ये मेन पॉइंट होगा, दैट इज व्हाट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव, सैलरी, ठीक है, ये सब चीजें उनके लिए क्या प्रोविजन है, किस तरह से फंड तैयार होता है, किस पर टैक्स लगता है, किस पर नहीं लगता है, वो सारी तमाम चीजें वो हम इस रिटायरमेंट बेनिफिट में करेंगे। ओके दोस्तों, सो आई गेस जो सबसे पहला वाला पॉइंट है हमारा बेसिक पे कमीशन और बोनस, ये फुली टैक्सेबल होते हैं, बिल्कुल ठीक है। हमें जो डिटेल्ड स्टडी करनी है दोस्तों वो अलाउंसेस, पर्क्स और रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए करनी है। मैं इसको हटा रहा हूं यहां से एंड वी आर स्टार्टिंग विद अलाउंसेस टुडे। कि भाई अलाउंसेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होती है। ओके, सो अलाउंसेस एज वी ऑल नो दे आर कैश बेनिफिट्स, अभी हमने डिस्कस करा। और दोस्तों टैक्सेबिलिटी के बिहाफ पर, टैक्सेबिलिटी के बिहाफ पर, प्रोविजंस के बिहाफ पर मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं चार पार्ट में, ठीक है। मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं चार पार्ट में, ठीक है। सबसे पहला जो अलाउंस है दैट इज व्हाट एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड। एग्जेम्प्टेड का मतलब हुआ माफ, माफ, ठीक है, माफ हो जाएंगे, जितना आप खर्च करोगे उतना माफ हो जाएंगे, ठीक है। और बेसिकली ये क्या है आपका ऑफिशियल अलाउंसेस। ये कौन से अलाउंस होते हैं? जो ऑफिस के खर्च के लिए दिए जाते हैं। अभी इन डिटेल इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड अलाउंसेस हैं पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड, ठीक है। एक हिस्से पर टैक्स लग जाएगा, एक हिस्सा माफ हो जाएगा, उसकी कैलकुलेशन होती है। बेसिकली ये सोशल अलाउंस आप इनको कह सकते हो, जो एक तरह से सोशल लाइफस्टाइल है, सोशल वेलफेयर है, उसके लिए अमाउंट दिए जाते हैं। वो एचआर बताया था ना अभी एग्जांपल, वो इसके अंदर आएगा। कैलकुलेशन होगी एक पैटर्न की, वो कैलकुलेशन क्या होती है वो अभी हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट अलाउंसेस होते हैं फुली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल, जो पूरे तरीके से टैक्सेबल होते हैं, ठीक है। इनको बेसिकली अगर हम बात करें अदर अलाउंस कह देते हैं, इनको हम कह देते हैं क्या अदर अलाउंस, ये लास्ट हेडिंग जो बच जाती है, ठीक है। और ठीक उसी तरह से लास्ट अलाउंस आपका जो आता है दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, वो अलाउंसेस जो पूरे तरीके से माफ होते हैं उन्हें हम कहेंगे आपका फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, ठीक है। और आपको अंदाजा हो गया होगा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल या इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर काम कर रहा है और उसको वहां पे अलाउंसेस मिल रहे हैं फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, इधर इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट, तो वो मिलने वाले अलाउंसेस पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट होंगे, उनमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों। ये आपका जो फुली एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएगा, ठीक है। मेन वैसे मैं आपको बता दूं ये तीन हमारे डिस्कशन का पार्ट होगा, ये तीन, ये बहुत सिंपल है, एक लिस्ट है वो याद रखनी है, ये बहुत सिंपल है एक लिस्ट है वो याद रखनी है, मेन थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हमें सेकंड वाले सेक्शन में आएगी। सो वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट हेडिंग, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, हम पहली हेडिंग से स्टार्ट करेंगे फुल्ली एग्जेम्प्ट, सॉरी दैट इज व्हाट ऑफिशियल अलाउंसेस, दैट इज व्हाट ऑफिशियल अलाउंसेस एंड दैट इज व्हाट एग्जेम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड। जितना खर्च करोगे उतना माफ हो जाएगा, अर्थात समझिए ध्यान देंगे, यहां पर मान लीजिए जो ए है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे दोस्तों, लिस्ट में बाद में आएंगे, ठीक है। ए जो है वो है एम्प्लॉयर, ये मालिक है, ठीक है,
और जो बी है वो उनका एम्प्लॉय है, ठीक है। बी को एक ऑफिशियल टूर पर भेजा गया, बी को एक ऑफिशियल टूर पर भेजा गया और कहा गया कि भाई आपको कंपनी का काम ये करना है, रिप्रेजेंट करना है, वट एवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसके लिए कंपनी ने इनको पे कर दिया, भाई कुछ एक्स्ट्रा खर्चा जो भी हो रहा है ऑफिशियल वर्क का, आपको 5,000 रुपये और दिए जाते, 5,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है, 5,000 रुपये दिए गए, ठीक है। इस सिचुएशन में 5,000 रुपये बी के पास आ गए। बी ने ऑफिशियल वर्क में भाई ट्रांसपोर्टेशन में उसको यूज करा, या क्या कह सकते हैं आप, जो भी आपका ऑफिशियल ऑब्लिगेशंस थे उनको पूरा करने के लिए इस्तेमाल करा, बुक्स वगैरह खरीदने के लिए, कुछ भी हो सकता है, वट एवर। इसमें से मिस्टर बी ने 3,000 रुपये इनकर्ड खर्च कर दिए, किसके लिए, अपने ऑफिस के लिए 3,000 रुपये इनकर्ड हो गए, और 2,000 रुपये उनकी जेब में चले गए सेल्फ, ठीक है। 2,000 रुपये जो हैं वो उनकी जेब में चले गए, सीधी सी बात यहां पे निकल कर आई। अब यहां पर दोस्तों आई थिंक मुझे आपको यहां पर बताने की जरूरत नहीं है, आप चैंपियन हैं मुझसे बड़े यार। 5,000 रुपये ऑफिस के खर्च के लिए मिले थे, द पर्पस इज फॉर ऑफिशियल वर्क, ओके। 5,000 में से ऑफिशियल वर्क के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया इन 3,000 रुपये का, तो इस 3,000 पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। जिस पर्पस के लिए दिए गए थे उस पर्पस के लिए यूज हुए, बिल्कुल सही बात। 2,000 रुपये दोस्तों, 2,000 रुपये दोस्तों यहां पर ये उनके पास गए, तो ये 2,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे इन दी हैंड ऑफ बी। भाई ये बी का खुद का बेनिफिट हो गया ना, ये जो बी है बी का खुद का बेनिफिट हो गया, तो सीधी सी बात क्या निकल कर आई, इस 2,000 रुपये पर टैक्स पे करना पड़ेगा बी को, ओके। दो मतलब उनकी टैक्सेबल सैलरी में जुड़ जाएंगे, अलग से 2,000 रुपये टैक्स नहीं लगता, वो तो टोटल इनकम हमने सीखा है, टोटल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में वो सारी सैलरी जुड़ती है, सारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जुड़ती है, सारी इनकम जुड़ती है, जो टोटल अमाउंट निकल के आता है उस पर टैक्स लगता है। तो हाँ, जब हम लिखेंगे ना ऊपर इनकम फ्रॉम सैलरी, तो ये 2,000 रुपये उसमें जोड़े जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ के भाई जितना आप खर्च कर देंगे उतना माफ हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्लियर। हाँ, इसका थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। मान लीजिए खर्चा कितना हुआ आपका, सॉरी ऑफिशियल टूर के लिए मिला कितना, 5,000। मान लीजिए खर्चा ही 6,000 हुआ, अपनी जेब से डाल दिए बी ने, क्लेम नहीं करा उन्होंने कि भाई ठीक है 5,000 मेरी जेब से 6,000 हो गए तो 6,000 यहां पर, और यहां पर फिर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा सर -1,000। माइनस माइनस कुछ नहीं होता है, दैट इज जीरो, बात खत्म। उस कंडीशन में कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और ना ही कि भाई मुझे 1,000 रुपये वापस दो, नहीं, निल है तो, अगर माइनस है तो निल है भाई, टैक्स नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, तेरी जेब में कुछ गया है तो सीधी सी बात है उस पर हम टैक्स लगाएंगे, ठीक है। आपने जो ऑफिशियल एक्सपेंडिचर आपको मिला था आपने उसे ज्यादा खर्च कर दिया, तो ये गवर्नमेंट की गलती नहीं है, ऐसे तो फिर हर कोई ज्यादा ही क्लेम करेगा, ओके। ये हमने बात करी यहां पर। सो इस तरीके से हम इसमें क्या नाम है आपका टैक्स लगाते हैं दोस्तों। अब इसमें जो लिस्ट ऑफ अलाउंसेज है, लिस्ट ऑफ अलाउंसेज है वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, दैट इज वॉट, डेली अलाउंस, डेली अलाउंस, ठीक है। जो ऑफिशियल वर्क से सिटी में घूमना पड़ता है ये उसके लिए मिलता है डेली अलाउंस। सेकंड इज वॉट, आपका यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कंपनीज की अपनी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है वो बाय करने के लिए, स्टिचिंग के लिए एक पैसा दिया जाता है, दैट इज वॉट यूनिफॉर्म अलाउंस, ठीक है। इसके अलावा कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ठीक है, अपना खुद का व्हीकल है तो पेट्रोल के खर्चे कंपनी दे देती है, कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। इसके अलावा हेल्पर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, आपको ऑफिशियल टूर के लिए भेजा गया कहीं पर, सीधी सी बात है, और उस सिचुएशन में क्या नाम है बोला गया कि आप अपना हेल्पर जो है साथ में ले जा सकते हो, आप खुद देख लेना, उसके लिए अलाउंस दिया गया, ठीक है। इसके अलावा एकेडमिक अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, ठीक है, अपनी पर्टिकुलर एजुकेशन को पूरा करने के लिए आपको अलग से कुछ क्या कहते हैं कोर्स करना है जिसका फायदा कंपनी को होगा, तो कंपनी के पास कराने का टाइम नहीं है तो पैसे दे दिए, भाई ये आप खुद कर लीजिएगा, दैट इज एकेडमिक अलाउंस। एंड वन मोर थिंग इज, यस एग्जैक्टली, ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक है। डेली अलाउंस मिलता है विद इन द सिटी, ऑफिशियल वर्क के लिए इधर उधर जाना पड़ता है,
ट्रैवलिंग अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं सिटी से, तो एक ना कंसेप्ट वही है दैट इज रिलेटेड विद द ट्रांसपोर्टेशन, बस थोड़ा मीनिंग अलग अलग हो गया, ठीक है। और दोस्तों ये सारे के सारे अलाउंस, ठीक है, कंपनी ने पे करे, कंपनी ने पे करे कितने, 10,000 मान लो आपको, आपने उसमें से एक्सपेंडिचर खर्चा कर दिया कितना, मान लीजिए 6,000, आपकी जेब में कितना गया, 4,000, तो 4,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, 4,000 पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्लियर दोस्तों, इस तरह से हुआ। हाँ, कंपनी ने दिया 10,000 और आपने खर्चा कर दिया 12,000, तो ये कितना आ गया, -2,000, नहीं ये जीरो आएगा, ठीक है, कोई मैथ्स नहीं है यहाँ पे, लॉ है, ज्यादा कर दिया गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी जेब में जब जाएगा तब टैक्स लगेगा। सो दैट इज द कंसेप्ट फॉर व्हाट, यस एग्जैक्टली माय फ्रेंड्स, एग्जेम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड। ओके डन, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन हेडिंग पर, अगली हेडिंग पर, ठीक है। ये पहला सेक्शन हमने पूरा करा, हमने अलाउंसेस को डिवाइड करा कितने पार्ट में दोस्तों, चार पार्ट में, ठीक है। और पहला वाला जो है कि भैया जितना खर्च करोगे उतना माफ हो जाएगा, वो हमने यहां पे कंप्लीट करा है। नाउ फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड मेन हेडिंग, और दैट इज व्हाट, पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्टेड। एक हिस्से पर टैक्स लग जाएगा, एक हिस्सा माफ हो जाएगा, कि वो हिस्सा जो माफी का है, जो एग्जेम्प्टेड है, वो हम कैसे निकालेंगे, ये कैलकुलेशन बेस्ड होता है जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई है। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला अलाउंस स्पेसिफिकली अलग अलग करने पड़ेंगे हमें, एंड वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी इंपॉर्टेंट अलाउंस, दैट इज व्हाट, हाउस रेंट अलाउंस। आप लोगों ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इसके बारे में ऑलरेडी सुना होगा, दैट इज व्हाट हाउस रेंट अलाउंस, के भाई हाउस रेंट अलाउंस होता क्या है, एम्प्लॉय के घर के किराए के लिए जो कंपनी है वो पे कर रही है, ये लीजिए हमने आपको किराया दे दिया है। अब कंपनी ने पे करा, आप अपने हिसाब से घर ढूंढिए, अपने हिसाब से रहिए, अब आगे कंपनी फ्री हो गई है, ठीक है। अब उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, सर अगर हाउस रेंट अलाउंस खर्चे के लिए दिया है कंपनी के लिए, तो टैक्सेबिलिटी का क्या मतलब है दोस्तों, होता है कंपनी मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम बात करें, पर एम्प्लॉय के हिसाब से जो कंपनी है पॉलिसी नहीं बनाती कि यार जो ये मिस्टर राम है तो मिस्टर राम के लिए अलग पॉलिसी बना दो, इनको इतना एचआरए दे दो, या इस तरीके से इनको घर दे दो रहने के लिए, गाड़ी दे दो, नहीं, मिस्टर श्याम है उनके लिए अलग पॉलिसी, मिस्टर अब्दुल है इनके लिए अलग पॉलिसी, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मली जो आपका क्या कहते हैं कंपनी है, वो सबके लिए सेम पॉलिसी बनाकर चलेगी, भाई इतना परसेंट एचआरए मिलेगा, इनको गाड़ी मिलेगी यूज करने के लिए, उस पोस्ट के बंदे को मिल रही तो सबको मिलेगी, दीज आर द फैक्ट्स, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए जो मिस्टर राम थे वो अपने अकोमोडेशन में रहते थे, तो उनको एचआरए तो फ्री में मिल गया, वो अपने घर में रहते थे, उन्हें रेंट पे करने की जरूरत नहीं। और जो मिस्टर अब्दुल हैं वो किराए पर रहते थे, कंपनी 20,000 पे कर रही है, लेकिन वो एक अच्छी सोसाइटी में रहना चाहते हैं तो वो 30,000 रुपए रेंट पे कर रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल तो ऐसा है कि जहां पर 20,000 रुपए उसकी जेब में जा रहे हैं, उसे वो रेंट पे ही नहीं कर रहा है। और एक एम्प्लॉय ऐसा भी है जो एचआरए मिलने से ज्यादा अमाउंट पे कर रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि टैक्सेबिलिटी का जरिया क्या होगा। तो दोस्तों उसी चीज के लिए हम यहां पर जो एचआरए की कैलकुलेशन है वो करते हैं कि एक हिस्सा जो माफ है वो निकाला जाता है और उसके हिसाब से टैक्स लगता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सेबल एचआरए, टैक्सेबल एचआरए कितना एचआरए टैक्सेबल हो जाएगा, दैट इज व्हाट एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव्ड कंपनी की तरफ से कितना मिला है, कंपनी की तरफ से कितना मिला है माइनस एग्जेम्प्टेड, जितना माफ हो गया। कंपनी ने दिया 20,000, माफ हो गया मान लीजिए 15,000, कितना आया 5,000, उस पर टैक्स लग जाएगा। सवाल यही उठता है कि ये 15,000 कैसे आया, कंपनी ने इतना पे करा वो तो क्वेश्चन में दिवन होगा ना, क्वेश्चन में अवेलेबल होगा एक्चुअल रिसीव्ड। ओके, लेकिन एग्जेम्प्टेड की अगर हम बात करें तो वो एग्जेम्प्टेड हमने कैसे निकाला दोस्तों, ध्यान देंगे, एग्जेम्प्शन, एग्जेम्प्शन इज लोअर ऑफ, एग्जेम्प्शन इज लोअर ऑफ, हम तीन कैलकुलेशन करके देखेंगे, हम दोस्तों तीन कैलकुलेशन करके देखेंगे, और इन तीन में से जो सबसे कम वैल्यू होगी, The word is what? Lower, exactly. The word is what? Lower. ठीक है, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो उठकर यहां चला जाएगा और फिर हमारी कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी टैक्सेबल एचआरए के लिए। ये तीन पॉइंट क्या है दोस्तों,
द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज एक्चुअल रिसीव्ड, सेम आ गया यही वाला पॉइंट, एक तो ये पॉइंट होगा वही पॉइंट यहां पे रखा जाएगा। सेकंड कैलकुलेशन इज रेंट पेड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी जो रेंट पे होगा उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये सेकंड वैल्यू आ जाएगी। एंड द थर्ड पॉइंट इज व्हाट, 40% ऑफ सैलरी, हम सैलरी का 40% निकालेंगे, हम सैलरी का कितना 40% निकालेंगे। दोस्तों ये तीन कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, इन तीन कैलकुलेशन को पूरा करने के बाद इन तीन में से जो सबसे कम वैल्यू होगी उसको हम यहां पर पुट कर देंगे, माइनस कर देंगे, टैक्सेबल एचआरए आ जाएगा। दैट इज अ सिंपल फंडा। बस यहां पर मेन चीज क्या है कि ये सैलरी से क्या तात्पर्य है। दोस्तों सैलरी यहां लिख देता हूं मैं, सैलरी तीन चीजों को जोड़कर आएगी, दैट इज व्हाट, बीपी बेसिक पे, बेसिक पे हमने लिखा था ना स्टार्टिंग में, बेसिक पे वो आ जाएगा, प्लस डीए ब्रैकेट में टी, डीए एज पर टर्म, ठीक है, डीए मतलब मैं आपको बताता हूं डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता मिलता है ऑफिस की तरफ से, वो सारा का सारा नहीं, टर्म्स बेनिफिट का, वो क्वेश्चन में बताया होगा, टर्म्स बेनिफिट फॉर रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट के अलाउंसेस की कैलकुलेशन के लिए हमेशा डियरनेस अलाउंस का एक हिस्सा क्या कहते हैं एस्टिमेट किया जाता है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। रिपीट कर दूं, डीए एज पर टर्म्स फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब है, अभी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, हमेशा रिटायरमेंट बेनिफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए, पेंशन को, ग्रेच्युटी को, प्रोविडेंट फंड्स को, डीएनएस अलाउंस का एक जो हिस्सा है वो 20% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दी कंपनीज पॉलिसी, ठीक है, वो हमेशा कंसिडर किया जाता है, तो वो हिस्सा हम यहां पर लेंगे। अभी एक क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल, परसेंटेज कमीशन ऑन सेल, सेल करवाई है भाई साहब ने, ठीक है, और सेल करवाने का जो कमीशन है इनको मिला है, इन तीन चीजों को जोड़कर हम सैलरी लिखा करेंगे, इन तीन चीजों को जोड़कर हम सैलरी लिखा करेंगे। मैं कुछ नहीं समझा रहा अभी, अभी कुछ नहीं समझा रहा, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से क्लियर होगा, ठीक है, जो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, अभी एक क्वेश्चन हम इसका कर रहे हैं, ठीक है, होप ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर ले, ठीक है। मैं रिपीट कर दूं, एचआरए टैक्सेबल के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड करेंगे, लड़ाई किसकी, एग्जेम्प्टेड की, ये कैसे निकलेगा, उसके लिए चीज है, ये तीन चीज कैलकुलेट करेंगे, इसमें जो सबसे लोअर होगा उसको यहां पुट कर दिया जाएगा, टैक्सेबल एचआरए आ जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं, मैं इसको दोस्तों हटा देता हूं, ठीक है, ये पूरी मिटा देते हैं, ओके, सो द क्वेश्चन इज मिस्टर राम इज एम्प्लॉय इन एबीसी लिमिटेड एंड ही रिसीव्ड फॉलोइंग इमोल्यूमेंट्स, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज अ पार्ट ऑफ सैलरी, उन्हें क्या क्या मिलता है, उन्हें बेसिक पे मिलती है 25,000 पर मंथ, उन्हें मिलती है बेसिक पे 25,000 पर मंथ, उन्हें डीए डियरनेस अलाउंस मिलता है, ठीक है, कितना, रुपीज 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ, ठीक है, और इसमें 40% फॉर टर्म बेनिफिट्स ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, जिसे मैंने बोला था ना कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज गिवन होती है, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, होप ही विजिबल है, बेसिक पे 25,000 पर मंथ मिलता है, डीए मिलता है उनको 5,000 रुपए पर मंथ और 40% टर्म्स बेनिफिट, इसके अलावा और क्या क्या मिलता है उन्हें, उन्हें मेडिकल अलाउंस दिया देती है कंपनी उनके मेडिकल खर्चों के लिए, और सपोज मैं मान रहा हूं 1,000 रुपीज पर मंथ, कंपनी उन्हें एचआरए देती है अपने घर का रेंट पे करने के लिए रुपीज 10,000 पर मंथ, रुपीज 10,000 पर मंथ, ठीक है, इसके अलावा उन्हें बोनस मिला गया, बोनस दिया गया सपोज रुपीज 20,000, नॉट पर मंथ, बोनस नॉर्मली साल में एक बार मिलता है, बोनस पर मंथ भी मिल सकता है, डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, मालिक की मर्जी, मैं हर महीने दे रहा हूं तो डिपेंड करता है, नॉर्मली एक महीने मिलता है, एक बार मिलता है, मैंने 20,000 रुपए मान लिया, ठीक है, इसके अलावा उन्हें कमीशन मिलता है, इसके अलावा उन्हें कमीशन मिलता है, एंड दैट इज 2% ऑफ सेल, 2% सेल का, और उन्होंने इस बारी कंपनी की 10 लाख की सेल करवाई है,
10 लाख की सेल करवाई है, दैट्स इट, ठीक है, इतना मान लेते हैं। मिस्टर राम की बात हम कर रहे थे, मिस्टर राम पे रुपीज एचआरए कितना मिलता है, 10,000 मिलता है, मैं 8,000 मान लेता हूं, रुपीज 8,000 पर मंथ एज हाउस रेंट, एज हाउस रेंट इन नोएडा, नोएडा, ठीक है, नोएडा आप लोगों को पता होगा दिल्ली से एडजेसेंट एक सिटी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, नोएडा, ओके, नोएडा में वो रहते हैं, जॉब उनकी कहीं पर भी है उससे हमें फिलहाल अभी मतलब नहीं है, जहां पर हाउस है, मान लीजिए, चलो मैं लिख भी देता हूं, उनकी जॉब लोकेशन जो है वो दिल्ली है, लेकिन इट डजंट मैटर, हमें वो रेंट कहां पे कर रहे हैं वो चीज मैटर करती है, ओके, ध्यान दीजिए। अब यहां पर ये मिस्टर राम की जो पूरी की पूरी क्या नाम है जो सैलरी है उसकी डिटेल हमें मिल चुकी है, बेसिक पे, डीए, मेडिकल अलाउंस, एचआरए, बोनस, कमीशन, ये 6 चीजें उन्हें कंपनी की तरफ से मिलती हैं। मिस्टर राम जो है वो 8,000 रुपए पर मंथ हाउस रेंट पे करते हैं और वो नोएडा में रहते हैं। अब हमें टैक्सेबल एचआरए निकालना है, सर इजीली नहीं कर सकते, 10,000 मिला, 8,000 उसका रेंट है, माइनस करो, सीधी सी बात है, 2,000 रुपए पर मंथ टैक्सेबल, नहीं दोस्तों ऐसे नहीं कर सकते, जैसा कैलकुलेशन है उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। तो आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं, टैक्सेबल एचआरए, दैट इज व्हाट, टैक्सेबल एचआरए, राइट माय फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं जानता हूं मेरा फॉर्मूला है एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड, एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड, ठीक है, मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करके टैक्सेबल एचआरए निकालना है, ठीक है। सो एक्चुअल रिसीव्ड तो मुझे ऑलरेडी पता है दोस्तों, दिस इज रुपीज 10,000, 10,000 इंटू 12, 1,20,000 आ जाएगा, दैट इज द एक्चुअल रिसीव्ड, ओके। नाउ लड़ाई किसकी है, यस लड़ाई है किसकी, एग्जेम्प्टेड की, सो एग्जेम्प्शन, एग्जेम्प्शन इज लोअर ऑफ, एग्जेम्प्शन इज लोअर ऑफ, वही तीन चीजें, आइए हम लिख लेते हैं, सबसे पहला मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं AR, एक्चुअल रिसीव्ड, ओके, आइए इसको लिख देते हैं, 10,000 मंथली मिला इंटू 12 किया तो 1,20,000 पूरे साल का मैं लिख रहा हूं यहां पे, रुपीज 1,20,000, ओके, राइट माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सेकंड का फॉर्मूला था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सो द रेंट पेड वी ऑलरेडी नो कि वो 8,000 रुपए पे करते हैं पर मंथ, सो 8,000 इंटू 12 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये आपका आ गया 96,000 रुपीज, 96,000 में से 10% ऑफ सैलरी मैं पे कर दूंगा। अब ये सैलरी कितनी है मुझे निकालना है, सैलरी कितनी है निकालना है, अब सैलरी की लड़ाई कर लेते हैं दोस्तों, सो सैलरी इज इक्वल्स टू, वी नो दैट इट्स बेसिक पे प्लस डी एस पर टर्म एंड प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल, ओके माय फ्रेंड्स, इन तीन चीजों को जोड़कर सैलरी निकाली जाएगी, इसको मैं साइड में कर रहा हूं, बेसिक पे आप सैलरी के लिए बेसिक पे, डीएस पर टर्म और परसेंटेज कमीशन ऑफ सेल, इन तीन चीजों को आप जोड़ेंगे, आइए ध्यान देते हैं। सो अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों बेसिक पे की, 25,000 रुपए प्रति माह उनको मिलता है, तो सीधा कैलकुलेशन पर आते हैं, 25,000 इंटू 12 3,00,000 हो गया, 3,00,000 हो गया, डीए, डीए मिलता है 5,000 रुपए पर मंथ, लेकिन दोस्तों हमें एस पर टर्म लेना है, हमें एस पर टर्म लेना है, राइट, तो 5,000 का पहले तो 40% निकाल लो, कैलकुलेशन के लिए आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, खुद कर सकते हैं, अच्छी बात है, पहले जो एस पर टर्म है वो ले लो, 5,000 का 40% यानी कि 2,000, ठीक है, 2,000 रुपए पर मंथ उनका एस पर टर्म है, एंड इंटू 12 इट इज 24,000, इट इज 24,000, राइट माई फ्रेंड्स। एंड लास्ट इज परसेंटेज कमीशन ऑन सेल, उनको कमीशन देने की बात करी गई थी 2% सेल का, उन्होंने इस साल सेल करवाई है 10,00,000, तो 10,00,000 का 2% 20,000 रुपए वो यहां पर आ गया, 20,000 रुपए दोस्तों, ठीक है, इन तीनों को अगर आप जोड़ दें, 3,00,000, 24,000 और आपका 20,000, तो ये हो जाता है 3,44,000, 3,44,000, और ये यहां पर पुट हो जाएगा दोस्तों, ये 3,44,000 जो आपने निकाला है
यहां पर ये पुट हो जाएगा 3,44,000। ठीक है, आपने इसको आगे सॉल्व किया, 96,000 माइनस इसका 10% 34,400। ठीक है, आपने माइनस करा, ठीक है, 96,000 में से 34,400 आप माइनस कर दीजिए, दोस्तों मेरे ख्याल से ही आ रहा है 61,600, 6 रुपीज 61,600। ठीक है, भूल चूक लेने देनी, अगर कैलकुलेशन है गलत हो गई है कैलकुलेटर करके देख लेते हैं ना, कभी हमें कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। इट्स 96,000 माइनस हमारे पास आता है 34,400 दोस्तों, सो इट इज गलत हो गया, सॉरी, कितना था, 96,000 माइनस 34,400 एंड इट इज इक्वल्स टू 61,600। हाँ सही लिखा है हमने, ओके ये दूसरी कैलकुलेशन होगी दोस्तों। तीसरे पर आते हैं, अंतिम चरण, तीसरी कैलकुलेशन थी कितना दोस्तों, यस 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी निकाल दीजिए, 40% ऑफ सैलरी इज इक्वल्स टू, ये सैलरी आप सॉरी आप ये निकाल चुके हैं, सैलरी यही पुट होगी दोस्तों 3,44,000, आपने सॉल्व किया, इट्स दोबारा से कैलकुलेशन कर लेते हैं, 34,400 राइट इंटू फोर ये आ जाता है 1,37,600 राइट दोस्तों। ये तीन कैलकुलेशन आपने पूरी कर ली, ये तीनों कैलकुलेशन आपने पूरी कर ली। हमने बोला था ये फॉर्मूला है एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड, दोस्तों यहां पर ऑब्वियसली अगर हम बात करें, हमने फॉर्मूला अप्लाई करा एक्चुअल रिसीव्ड के लिए, एक्चुअल रिसीव्ड के लिए आपने 1,20,000 लिख लिया पहली कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, कहां गया ये रहा 10,000 रुपए इंटू 12, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट 8,000 रुपए था, मल्टीप्लाई करा आपने, ये कितना आ गया 96,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कैसे निकाली, बेसिक पे डीएस पर टर्म और परसेंटेज कमीशन को जोड़कर, ठीक है, ये आ गया 3,44,000, ये पुट करा 10% निकाला माइनस करा 61,600 और फिर लास्ट स्टेप में 40% ऑफ सैलरी आपने निकाला 1,37,600, ये वैल्यू यहां पर आ गई। अब दोस्तों एग्जेम्पशन इज लोअर ऑफ ये तीनों, 1,20,000, 61,600, 137,600, इन तीनों में से सबसे कम कौन है, सर ये सेकंड वाला है 61,600। सो सर मुझे प्लीज अब बताइए आप फटाफट से कि भाई टैक्सेबल एचआर कितना होगा दोस्तों, मैं यहां से मिटा रहा हूं, होप आपने ये वाला सेक्शन नोट कर लिया होगा सैलरी वाला, ठीक है इसको मिटा देते हैं, अगर नहीं करा है वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये मैं यहां से हटा रहा हूं, मुद्दा हमारा पूरा हो गया है, टैक्सेबल एचआर आ गया है, जो एक्चुअल रिसीव्ड था वो था 1,20,000, वो कितना था 1,20,000 एक्चुअल रिसीव्ड, एग्जेम्प्शन इज व्हाट 61,600 ये आपने यहां पे निकाला, माइनस करके जो अमाउंट आया है दोस्तों आई गेस इट इज 58,400 कर लेते हैं इसको 1,20,000 यस 58,400 हमारा टैक्सेबल एचआरए आ गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें एचआरए की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ये इंपॉर्टेंट कंटेंट हमारा, हमने यहां पे देखा ओके किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, होप ये एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा, प्लीज ट्राई करिएगा कुछ और कुछ, ठीक है, और हाँ जो अगर आपको मतलब कुछ अभी आने वाली क्लासेस में मैं जो क्लासेस कर रहा हूँ उसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे कई सारे, तो अगर आपको क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए ठीक है तो आप इनबॉक्स में क्या कहते हैं अपना नाम डाल दीजिए, नंबर डाल दीजिए या मुझे कॉल कर लीजिए, ठीक है डेफिनेटली उस सिचुएशन में मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा क्वेश्चंस की लिस्ट, ताकि आप डायरेक्टली फिर क्लास में क्वेश्चंस कर सके, क्वेश्चन लिखवाने में अदरवाइज हम देखेंगे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है तो उस सिचुएशन में आप मुझे मेल कर सकते हैं या नंबर पर व्हाट्सएप वगैरह कॉल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है आइए, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ एचआरए माय फ्रेंड्स, ठीक है अभी इसके बारे में कुछ जरूरी चीजें जरा वो जो हैं उनको भी लिख लेते हैं, उनको भी लिख लेते हैं वो कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं, आइए जरा जानकारी देंगे एचआरए को रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एचआरए,
वेरी फर्स्ट पॉइंट, वेरी फर्स्ट पॉइंट, 40% इज रिप्लेस्ड बाय, 40% इज रिप्लेस्ड बाय 50% इन केस ऑफ डी एम के सी. सर ये क्या बला है? ध्यान दीजिए, अभी दोस्तों हमने क्वेश्चन करा था, उस क्वेश्चन में तीसरे पॉइंट में, यानी कि लास्ट पॉइंट में, एग्जम्पशन जब हम निकाल रहे थे, तो लास्ट पॉइंट इज व्हाट? 40%, राइट? लास्ट पॉइंट क्या था आपका? 40% ऑफ सैलरी हमें कैलकुलेट करना था दोस्तों. सो उस सिचुएशन में अगर डी एम के सी है तो 40% कैलकुलेट करने के बजाय आप 50% लिखेंगे वहां पर, उसकी कैलकुलेशन करेंगे. सर ये डी एम के सी क्या है? डी इज दिल्ली, एम इज मुंबई, के इज कोलकाता, सी इज चेन्नई, हमारी चार मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक है. अगर आपका एसएससी जिसके लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे मिस्टर नाम की हमने यहां पे करी, ठीक है, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में, अगर मान लीजिए मिस्टर राम रह रहे होते, उनका हाउस होता, जॉब लोकेशन की बात करने हैं, जॉब लोकेशन का कोई मतलब नहीं है, वो रह कहां पे रहे, रेंट कहां पे कर रहे हैं. इफ दे आर लिविंग इन दिल्ली और मुंबई और कोलकाता और चेन्नई, तो उस सिचुएशन में 40% को रिप्लेस करेंगे 50% से, दैट्स इट. एक ये केस होगा, वहां पे लाइफस्टाइल महंगा होता है, रेंट महंगा होता है, तो 50% ऑफ सैलरी तक हम एग्जम्पशन देने को तैयार हैं. सेकंड पॉइंट, इफ असेसी जिसके लिए आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं इज लिविंग इन रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन, होल एच आर ए इज टैक्सेबल. याद रखिएगा दोस्तों, जिस चीज की, जिस एसएससी के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा तामझाम करा हमने कैलकुलेशन का, लेकिन अगर एसएससी, लेकिन अगर एसएससी ऑब्वियसली रह रहा है रेंट फ्री अकोमोडेशन में, अपने ही घर में रह रहा है, रेंट पे नहीं कर रहा, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, रेंट पे नहीं कर रहा, और कंपनी की तरफ से एचआरए मिल रहा है, ऑब्वियसली बात है ये कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेशन नहीं होगी दोस्तों, ठीक है. सिंपल सा काम, बस आपको क्या करना है, जो एचआरए होगा, मान लीजिए वाला क्वेश्चन था, 10,000 मिल रहा था, 10,000 × 12 120,000 रुपए पूरे पर टैक्स लग जाएगा, ठीक, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, इंटू 12 करेंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स. थर्ड, इन केस ऑफ एनी चेंज, इन केस ऑफ एनी चेंज, किन किन चीजों में पता नहीं, बताऊंगा अभी, ठीक है. इन केस ऑफ एनी चेंज, कैलकुलेशन टेक्स प्लेस मंथ वाइज. सर मतलब ध्यान देंगे दोस्तों, अगर सैलरी चेंज हो जाए, बेसिक पे, डीए वगैरह चेंज हो जाए, मतलब अप्रैल टू जून मिल रही थी 50,000 रुपए पर मंथ, उसके बाद 60,000 रुपए पर मंथ, जनवरी में 70,000, फिर बढ़ गई, साल में सैलरी चेंज हो गई, या फिर रेंट, रेंट जो है वो चेंज हो जाए, या फिर प्लेस ऑफ स्टे वो चेंज हो जाए, या फिर एच, मतलब सीधी सी बात है यार, जो भी कंपोनेंट आपके चल रहे हैं ना क्वेश्चन में, जो भी हमने वैरायटीज ऑफ कंपोनेंट्स देखे, एचआरए की बात हुई, रेंट पे की बात हुई, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, प्लेस ऑफ स्टे की बात हुई, बेसिक पे, डीए कमीशन, कोई भी पर्टिकुलर अगर इन बिटवीन चेंज होता है, कोई भी पर्टिकुलर अगर इन बिटवीन चेंज होता है, तो आपको कैलकुलेशन मंथवाइज करनी है. सर समझ नहीं आया, ध्यान दो, ध्यान दो, अप्रैल टू, अभी हमने जो कैलकुलेशन करी उसमें क्या कर रहे थे, अमाउंट इंटू 12 12 महीने के लिए, अमाउंट इंटू 12 पूरे साल के लिए, 12 महीने के लिए, अप्रैल टू मार्च हमारा क्या कहते हैं कैलकुलेशन होती है, ठीक है. इसका क्वेश्चन हम करेंगे आने वाले टाइम में भी. इनकी सैलरी 50,000 रुपए थी पर मंथ, और अप्रैल से लेकर इनको जून तक 50,000 रुपए पर मंथ मिले, और फिर जुलाई से इनकी सैलरी बढ़ गई, ठीक है, और जुलाई से लेकर पूरा मार्च तक मान लीजिए इनको 60,000 रुपए पर मंथ मिले, ठीक है दोस्तों. अभी किया था ना, अभी किया था ना, क्या एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड, तीन पार्ट, एग्जेम्प्शन इज लोअर ऑफ द फॉलोइंग करा था ना, हर जगह क्या कर रहे थे, इनटू 12 इनटू 12 इनटू 12. यहां पर ये 3 महीने हो गए, यहां पर ये 9 महीने हो गए. कैलकुलेशन दो बार होगी क्वेश्चन में, एक बार इंटू थ्री करके करेंगे, और एक बार इंटू नाइन करके करेंगे. वो पूरा जो तामझाम था हमारा, वो पूरी कैलकुलेशन थी, वो दो पार्ट में होगी, 3 मंथ्स के लिए एंड 9 मंथ्स के लिए.
ओके दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा। तो ये कुछ तीन मेन पॉइंट हमें, जो हमने लिखे अभी यहां पर, हमें मालूम होने चाहिए। किसके बारे में? एचआरए के बारे में, कैलकुलेशन को देखने के लिए कि भाई किस तरीके से हम टैक्स लगाते हैं। ये पूरा कंसेप्ट हमने यहां पे देखा। अगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में प्लेस ऑफ स्टे है, प्लेस ऑफ स्टे है, तो 40% की जगह 50% आएगा। असेसी फ्री में रह रहा है तो भैया कोई कैलकुलेशन नहीं, पूरा एचआरए टैक्सेबल होगा इनटू 12। एंड द लास्ट पॉइंट इज इन केस ऑफ एनी चेंज, सैलरी चेंज हो जाए, रेंट चेंज हो जाए, प्लेस ऑफ स्टे चेंज हो जाए, एचआरए चेंज हो जाए, तो उस सिचुएशन में सारी कैलकुलेशन मंथ वाइज होगी, जैसे हमने भी किया। ओके दोस्तों, होप आप लोगों को ये कंटेंट क्लियर हुआ होगा जितना हमने आज देखा। अलाउंसेस हमारे खत्म नहीं हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एचआरए के हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। अभी हमने 8000 रेंट मान के करा था, आप ट्राई करिएगा घर पे 12000 रेंट लेके और 15000 रेंट लेके, ठीक है? क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, और कुछ जो भी फर्दर वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि अगर प्रैक्टिस का कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे मेल कर दीजिएगा, ठीक है? मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, वट एवर जो भी है, मैं आपको जो पीडीएफ फाइल है वो फॉरवर्ड कर दूंगा क्वेश्चन की, और ताकि नेक्स्ट क्लास में हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर पाए। ओके दोस्तों, तो यहां पर हमने जो कंटेंट आज लिखा है उसको प्लीज रिवाइज करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे फर्दर टॉपिक। अलाउंसेस अभी बाकी है, क्लियर? तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।